नमस्कार, सीएमएन न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कनिका। सबसे पहले बात करते हैं यूपी के मेरठ की, जहां पर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। जी हां, पुलिस ने अवैध असलाह बनाते दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जहां सलाखों के पीछे भेज दिया, वहीं उनके पास से अवैध तमंचों समेत असलाह बनाने का उपकरण भी बरामद किए हैं। मेरठ पुलिस के द्वारा इस पे घोषित रह चुका है। इसका एक बहुत बड़ा गैंग है, वो गैंग अभी जैसा कि पुलिस की नॉलेज है वो बिहाइंड बार्स है। कुछ लोग दिल्ली में बंद है, कुछ कहीं और बंद है, लेकिन कुछ अन्य लोग भी हैं जो फरार हैं। पुलिस उनके ऊपर अभी कार्रवाई कर रही है, पुलिस उनके नाम पता करके आगे की चेन को एस्टेब्लिश करते हुए कार्रवाई कर रही है। कितने का बेचना है? देखिए, अभी इनके द्वारा बताया गया जो पिस्टल है वो 15,000 से 20,000 रुपये के बीच में इनकी बेचने की कीमत बताई गई है। तमंचा रफली 5,000 से 10,000 रुपये के बीच का बताया गया। यही बताया गया है कि चुनाव से संबंधित भी कुछ चीज़ बताई गई है, बाकी इसके अलावा ये रेगुलर सप्लायर्स भी रह चुके हैं और कई जगह पर ये बिक्री भी कर चुके हैं। एक इनके द्वारा बताया गया है कि मुंगेर के कुछ लोग थे जिनके साथ इन्होंने सम्मिलित होते हुए मुंगेर में भी काम किया और फिर उसके बाद इन्होंने अपना काम स्वयं चालू किया। फैक्ट्री पकड़े गई है।